हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी मिस, योर जीके टीचर। ये आपकी जीके की बुक है। जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके फिफ्थ चैप्टर तक हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? बर्ड्स टॉक, मीन्स हमें यहाँ पे बर्ड्स के साउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से बर्ड का कैसा कैसा साउंड होता है। लाइक अस बर्ड्स आल्सो टॉक टू इच अदर। बर्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं अपने में। ठीक है, देयर साउंड्स आर कॉल्ड कॉल्स। उनके साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स। कैन यू मैच द बर्ड्स विद देयर कॉल्स? यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बर्ड्स दिए हुए हैं ढेर सारे। ठीक है, तो इस हेल्प बॉक्स में हमें नंबर लिखना है कि कौन सा बर्ड्स का कौन सा साउंड होता है। तो नंबर वन में कौन सा बर्ड्स है? डक है। ठीक है, तो डक का साउंड क्या होता है? क्वैक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर वन क्वैक। ठीक है, नंबर टू में क्या है? ऑल है। तो ऑल का कौन सा साउंड होता है? हुड्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर टू हुड्स। ठीक है, नंबर थ्री में कौन सा बर्ड है? पीजन। ठीक है, तो नंबर थ्री पीजन का कौन सा साउंड होता है? कूज। तो नंबर थ्री यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नंबर फोर में कौन सा बर्ड है? चिकन्स। तो चिकन्स का साउंड क्या होता है? कैकल्स। ठीक है, तो यहाँ नंबर फोर लिखेंगे। नंबर फाइव में कौन सा बर्ड है? ईगल। तो ईगल का साउंड कैसा होता है? स्क्रीम्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर फाइव। नंबर सिक्स में नाइटेंगल्स। नाइटेंगल्स का साउंड क्या होता है? सिंग्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर सिक्स। नंबर सेवन में क्या है? रोस्टर। रोस्टर का साउंड क्या होता है? क्रोस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर सेवन। नंबर एट में क्या? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का साउंड कैसा होता है? चिर्प्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर एट। ठीक है, ये रहा आपका आज का होमवर्क। आपको इसको क्या करना है? लर्न एंड राइट बर्ड साउंड। ठीक है, आपको इसको अपने कॉपी में उतारना है, लिखना है और याद करना है। यहाँ बर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ उनके साउंड लिखे हुए हैं। डक का साउंड क्या होता है? क्वैक्स। ऑउल का हूट्स। पीजन का कूज। ईगल का स्क्रीम्स। नाइटेंगल्स का सिंग्स। रोस्टर का क्रोस। ऑस्ट्रिच का चिप्स। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू।